बिल्कुल मोदी जी आने चाहिए। 2019 में युवा नेता की होनी चाहिए। बिल्कुल राहुल गांधी आना चाहिए। वादे तो कर जाते हैं, वादे पूरे नहीं करते। रोजगार और युवाओं का जो खास है वही है यहाँ पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं हेमंत कुमार। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर केंद्र और विपक्ष पूरी तरह से चुनावी मोड में हैं। लोकसभा चुनावों को लेकर एक ओर जहां पर केंद्र सत्ता पर काबिज रहने के लिए हर तरह के प्रयास कर रहा है, तो वहीं विपक्ष भी केंद्र को सत्ता से हटाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। हमारे इस खास पेशकश चुनावी रिपोर्टर में जहाँ हम आपको आम लोकसभा के चुनाव से जुड़ी हर खबर से अपडेट करवाएंगे, तो वहीं प्रदेश के सियासी नब्ज को भी टटोलने की कोशिश करेंगे। प्रदेश के चप्पे चप्पे पर तैनात हमारे रिपोर्टर्स ये बताएंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का चुनावी माहौल आखिर क्या है, किसके पक्ष में हवा बह रही है और किसको कांटे की टक्कर मिल रही है, और साथ ही क्या इस बार फिर से 25 सीटों पर कमल खिलेगा या फिर गहलोत का जादू फिर काम करेगा। ऐसे ही तमाम सियासी पहलुओं को खंगालने की हम कोशिश करेंगे और चुनाव को लेकर जनता का मूड भी आपको बताएंगे। बिल्कुल मोदी जी आने चाहिए। 2019 में युवा नेता की होनी चाहिए। बिल्कुल राहुल गांधी आना चाहिए। वादे तो कर जाते हैं, वादे पूरे नहीं करते। रोजगार और युवाओं का जो खास है वही है यहाँ पे। तो चुनावी रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे कोटा लोकसभा की। राजस्थान में कोटा जिला हर लिहाज से महत्वपूर्ण है और कोटा में मौजूदा सांसद ओम बिड़ला हैं। 2014 में बीजेपी ने सीट को कांग्रेस से छीन लिया था। मौजूदा सांसद ओम बिड़ला के काम की पड़ताल की है हमारे संवाददाता इतियाब शेख ने, उसे आप देखिए। नमस्कार, मैं हूँ इतियाब शेख और आज के इस चुनावी चौपाल में हम मौजूद है राजस्थान के शहर कोटा में। कोटा वो शहर जो विश्व भर में और खास तौर पर हिंदुस्तान के अंदर जाना जाता है अपने एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए इसलिए जाना जाता है कि ज़्यादातर कोचिंग क्लासेस यहाँ से होती हैं और यहाँ की कोचिंग क्लासेस की खासियत ये है कि यहाँ से निकलने वाले स्टूडेंट ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक कर लेते हैं। लेकिन इस चुनावी समर में क्या यहाँ के नेता जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और जनता के इस एग्जाम में पास होते हैं या फेल, इसके लिए चर्चा करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से जुड़े हैं। बीजेपी की तरफ से पवन अग्रवाल साहब मेरे साथ में हैं, नंदकिशोर जी हैं और नरेंद्र सोनी जी हैं। कांग्रेस की अगर मैं बात करता हूं तो दिनेश जी मेरे साथ में हैं, राकेश जी हैं, आसिफ जी हैं और महिपाल साहब हैं। साथ में सभी दोस्त हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले कोटा की सही इक्वेशन समझने के लिए मेरे सहयोगी नितिन मेरे साथ में मौजूद है, क्योंकि नितिन वो इक्वेशन समझाएंगे कि इस लोकसभा में कोटा की इक्वेशन क्या कह रही है। नितिन, बिल्कुल देखिए, अगर कोटा की बात की जाए तो हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी पत्ते साफ नहीं है कि चुनाव किसको लड़वाया जाएगा, लेकिन बीजेपी की अगर बात की जाए तो वर्तमान जो सांसद है ओम बिड़ला, उन्हीं की दावेदारी प्रमुखता से मानी जा रही है। हालांकि पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल जो थे उन्होंने भी ताल ठोकी थी कि उनको टिकट मिल जाए। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूर्व सांसद रह चुके हैं कांग्रेस से, बीजेपी में आए थे इजेराज सिंह जी, उनकी भी संभावनाएँ जताई जा रही थी। लेकिन अभी तक की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि ओम बिड़ला जो है उनको टिकट मिल जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस की बात की जाए तो दो नाम प्रमुखता से यहाँ पर अभी चल रहे थे, जिसमें से महावीर मीणा और रामनारायण मीणा। रामनारायण मीणा जी की तरफ से पहले से ही इनकार कर दिया गया था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। महावीर मीणा के ऊपर दावेदारी जताई जा रही है, लेकिन अभी तक ये भी पुख्ता नहीं है कि टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। यानी नितिन, कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति में है कि क्लियर नहीं है कि कौन लड़ेगा। चलिए, अगर मैं कोटा में हूं और जिक्र इस बात का ना करूं कि कोटा स्टोन क्या होता है, मेरे ख्याल में दुनिया के सभी लोग जानते हैं कि कोटा स्टोन क्या होता है, लेकिन कोटा की एक खास बात ये कचौरी है। इस कचौरी के बारे में मुझे बताया गया है कि कोटा की कचौरी स्वाद में सबसे लाजवाब होती है। इसका स्वाद चखने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इस चुनाव के अंदर जनता का स्वाद कैसा रहने वाला है। बेहद लजीज और खस्ता है, लेकिन नेताओं का स्वाद इस बार चुनाव में कैसा रहेगा, मैं पहले कांग्रेस के पास चलता हूं। सर, कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास तो अभी चेहरा ही नहीं है। कांग्रेस के पास में चेहरा भी है और कांग्रेस यहां से जीतेगी,
क्योंकि यहाँ के जो पूर्व सांसद, अभी के जो वर्तमान सांसद हैं ओम जी बिरला भाजपा से, ये यहाँ से दो बार विधायक का भी चुनाव लड़ चुके हैं और विधायक रह चुके हैं, और इनकी कार्य क्षमता इतनी डल है कि विज्ञान नगर जहां अपन बैठे हुए हैं इसमें एक डिस्पेंसरी है सरकारी, जिसकी 2006 और 7 में भाजपा के विधायक ने घोषणा करी थी कि इसको सैटेलाइट बनाएंगे। आज तक न तो यह सैटेलाइट बना न कुछ हुआ। इसका निर्माण कार्य जब मैं यहां से पूर्व में पार्षद था उस दौरान जब यह जमीन यूआईटी किसी और चीज में एक्वायर कर रही थी उस वक्त हमने लड़कर इस जमीन को रोका। फिर इनके पिछले मंत्री जो चिकित्सा मंत्री कालीचरण सर्राफ ये घोषणा करके गए थे कि मैं यहाँ पे शिलान्यास कर रहा हूँ और इसका उद्घाटन भी मैं कर रहा हूँ करके जाऊंगा, लेकिन वो चले गए। लेकिन अब इसका काम तेजी से स्टार्ट हुआ है क्योंकि अब कांग्रेस की सरकार यहाँ पे वर्तमान में है। अच्छा, यानी बिरला साहब ने काम नहीं किया, कांग्रेस आ गई तो काम शुरू हो गया। सर, बिरला साहब ने काम ही नहीं किया और कांग्रेस आती काम शुरू हो गया। बिरला जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिरला जी ने शहर का पूरे लोकसभा का चहुमुखी विकास किया है। आज वर्षों से जो हैंगिंग ब्रिज अटका हुआ था बिरला जी ने प्रयास करके उसको चालू करवाया, कितने लोगों को उससे राहत मिली। और भी हमारे जो एमएलए थे, आज कोटा बिराज पर समानांतर दो पुल बना, उससे कितने लोगों को राहत मिली। नॉर्दर्न बाईपास का काम, उससे राहत मिली। जैसे अभी बता रहे थे कि मेडिकल कॉलेज के अंदर में चिकित्सा सुविधा में जबरदस्त जो है प्रोग्रेस हमारे शासनकाल में हुई है। रही बात डिस्पेंसरी की, तो डिस्पेंसरी का सुन रहे हैं, ये तो कह रहे हैं बोले प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हुई है। डिस्पेंसरी का काम भी बीजेपी के शासन काल में सेंक्शन हुआ, बीजेपी कुछ हुआ। अब चूंकि आचार संहिता लग गई नहीं तो विधानसभा चुनाव के पहले इसका लोकार्पण हो जाता, उसका उद्घाटन हो जाता, लेकिन सरकारी कुछ मशीनरियों के कारण से कई बार कुछ लेट जो हम चाहते हैं पूरा नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव में इक्वेशन तो बदल गई। विधानसभा चुनाव में इक्वेशन का जहां तक पूरे राजस्थान का सवाल है, हो सकता है कि उसके कई कारण रहते हैं। आजकल जातिगत समीकरण है, कोई स्थानीय समीकरण है, लेकिन ऑन द होल बीजेपी ने राजस्थान के अंदर में अच्छा काम किया। और अभी जो लोकसभा का चुनाव है ये विकास के साथ साथ राष्ट्रवाद पे चुनाव है। विकास के साथ राष्ट्रवाद पर चुनाव है। लोकसभा का चुनाव विधानसभा से अलग है साहब। इस बार जो इक्वेशन बदली है वो तो चलिए बदल गई, लेकिन इस बार का दावा ये किया जा रहा है कि लोकसभा का जो चुनाव है बिल्कुल अलग मुद्दों के ऊपर, अलग इक्वेशन पर है। जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है, मैं ये भाजपा के नेताओं से, यहां से लेकर केंद्र तक के राज्य के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर 125 करोड़ वासियों में कौन देशभक्त नहीं है, कौन राष्ट्रवाद पर नहीं है? क्या ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेसी और कांग्रेस की विचारधारा रखने वाले राष्ट्रवादी नहीं है? तो इनसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आज तक ये खुद अपने मुंह से कहते हैं कि इस देश को क्या कहते हैं, जो 70 साल 60 साल कांग्रेस ने चलाया, तो आज अगर ये देश पूरे वर्ल्ड में इतना मजबूत है कि आज बड़े बड़े देश भी इस देश के नाम से खौफ खाते हैं। सर, मैं इस पे आता हूँ। सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो तो सीधे आरोप लगा रहे हैं कि साहब काम तो हमने किया था, आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं हुआ है। काम कहाँ हुआ है, एक काम बता दे। गिनाए उन्होंने, चार गिनाए अभी। ये हैंगिंग ब्रिज हमारे टाइम का कांग्रेस शासन का काम था। हैंगिंग ब्रिज तो कांग्रेस का था सर, बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इन्होंने वहाँ बटन दबा के उद्घाटन करने से इनका काम हो गया। मैं इनसे पूछ लेता हूँ। जी सर, ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने बनाया। हैंगिंग ब्रिज का काम कांग्रेस के शासन में चालू हुआ होगा, लेकिन उसकी पूर्ण जो है पांच साल से अटका हुआ था दुर्घटना के कारण से। हमारे स्थानीय सांसद ने प्रयास करके अपने संपर्कों का करके और जनता के जो इस पे मैं एक बार वन ऑन वन करूंगा। सर आप आइए मेरे साथ, आइए आइए सर, बताइए। आप कह रहे हैं कि उन्होंने शासनकाल के अंदर केवल उसका उद्घाटन कर दिया। कांग्रेस के शासनकाल में इसका जो है शिलान्यास हुआ था, लेकिन काम बीच में रुका, उसके बाद टूटा था। लगभग 50 लोग यहाँ मारे गए थे, उसके बाद में काम रुक गया। पांच साल तक इसका काम बहुत सर जवाब था उस समय हो गया था, इसलिए थोड़ा सा काम प्रभावित रहा। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक जगह से बटन दबा के उसका बैंगिंग ब्रिज का उद्घाटन किया, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। हमारे शहर की सबसे बड़ी समस्या थी, आदरणीय बिरला साहब कहते थे कि मैं जीता तो कोटा में एयरपोर्ट लाऊंगा, 8 दिन तक एयरपोर्ट नहीं बना। एयरपोर्ट एक बड़ा मुद्दा है। हैंगिंग ब्रिज कोटा की लाइफ लाइन थी, इसके लिए लेट हुआ। आखिर अब क्यों बना, अभी पहले क्यों नहीं बना? इच्छा शक्ति की कमी थी, यहाँ के नेतृत्व की कमी थी। हमारे सांसद ने नेतृत्व में पहले अपन हैंगिंग ब्रिज पे आ जाए, हैंगिंग ब्रिज पे फैसला कर ले, हैंगिंग ब्रिज पे फैसला कर ले अपन। एक मिनट सर, एयरपोर्ट पे आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, बैठिए आप बैठिए। हैंगिंग ब्रिज पे अपन पहले हैंगिंग ब्रिज के ऊपर एक बार इक्वेशन क्लियर कर लेते हैं। जी जी, शहर की शहर को
शहर को बिल्कुल एक बाईपास की उस ब्रिज की सख्त आवश्यकता थी। कांग्रेस शासन में वो काम चालू हुआ, बड़ा हादसा यहाँ हो गया था, उसको पूरे शहर को दुख था, उसके बाद सरकार हमारी चली। अच्छा जी जी, देखिए सर, हैंगिंग ब्रिज की जो ये कह रहे हैं वो कांग्रेस शासन में बिल्कुल उसका निर्माण शुरू हो चुका था, काफी कंप्लीट होने की कगार पे था, दुर्घटनावश जो है वहाँ पे जो है वो उसका वो कुछ हादसा हो गया विदेशी कंपनियों की वजह से। लेकिन इसका जो श्रेय बीजेपी वाले लेना चाहते हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो जो अधूरा निर्माण था सिर्फ वो पूरा कराया। अच्छा चलिए, अब अपन श्रेय वाली बात से हट जाएं, अपन श्रेय वाली बात से हटते हैं, क्या हैंगिंग ब्रिज का बन जाना कोटा शहर के लिए बेहतर रहा? बेहतर तो रहा साहब, कान आया ना सर, हाँ या ना बेहतर रहा, लेकिन मैं इनसे भी पूछ लूं, एक मिनट पूछ लेता हूं सर, बेहतर रहा या नहीं रहा? सर, हैंगिंग ब्रिज कोटा की लाइफ लाइन थी, इतनी दुर्घटनाएं कोटा शहर में हो रही थी, वो उससे अंकुश लगा है, बेहतर नहीं, बहुत आवश्यक था हैंगिंग ब्रिज, और जो 5 साल लेट हुआ उसका हमें तकलीफ है, क्यों लेट क्यों हुआ? लेकिन ये बीजेपी के शासन में बिरला जी ने इसको केंद्र में बहस कर और लेकर और कार्य शुरू करवाया दोबारा, यानी कोटा के लिए अच्छा हुआ। चलिए, कोटा के लिए अच्छा हुआ ये तो आप भी मान रहे सर, आप भी मान रहे ना, बहुत अच्छा हुआ। कांग्रेस की देने तो अगर हैंगिंग ब्रिज बनाए तो बहुत अच्छा हुआ, उससे दुर्घटना कम हुई है, शहर में ट्रैफिक कम हुआ है। ठीक है सर, मैं मान लेता हूँ। चलो अब अपन उस मुद्दे पे आते हैं जिसका जिक्र आप दोनों ने किया था कि आज कोटा की सबसे बड़ी जो दरकार थी वो थी एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट के लिए कहानी कहाँ अटक रही है मैं वो समझना चाहूंगा। जी सर, एयरपोर्ट की कहानी कहाँ अटक? बिल्कुल एयरपोर्ट की कहानी है साहब, हमारे भाई साथी लोग बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ओम बिरला जी ने एक घोषणा की थी या नहीं की कि अगर मैं एयरपोर्ट चालू नहीं करा पाया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये की थी या नहीं की थी? जी सर, ओम बिरला जी ने बाकायदा एयरपोर्ट चालू करा है। मैं इन कांग्रेस के कार्यकर्ता और भाइयों से पूछना चाहूँ, कितने बंदे जाके उस एयरलाइंस के अंदर घूमे, एक नाम बता दे मेरे को। अच्छा, एयरपोर्ट चालू हुआ, एयरपोर्ट चालू हुआ, ये तो कह रही मेरी बात हो, एक हफ्ते के लिए फ्लाइट चालू, एक हफ्ते 15 दिन चालू हुई सिर्फ जयपुर, एक हफ्ते के बाद बंद। एक मिनट आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट, ये श्रीमान जी कह रहे हैं अपन बैठ के बात करते हैं, श्रीमान जी मेरे भाई आराम से बैठ के बात करते हैं, आराम से बैठ के, वो श्रीमान जी कह रहे हैं कि ये कांग्रेसी कार्यकर्ता कितने प्लेन के अंदर बैठे, मैं जानना चाहता हूं इनसे कि यहां जो पूरे देश का बच्चा, कम से कम 1.5-2 लाख बच्चे यहां, विदेश के बच्चे, पहले पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यहां पढ़ते हैं, मैं इन श्रीमान जी से जानना चाहता हूं कि जो बाहर का बच्चा स्टूडेंट आता है, जिनसे अपने को व्यापार मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है सब लोगों को, तो मैं जानना चाहता हूं कि ये आवश्यकता उन लोगों के लिए है या अपने घूमने के लिए है? अच्छा चलिए, एक मिनट अपन एयरपोर्ट को, क्यों थोड़ा सा ब्रेक का समय लेना है मुझे, मैं एयरपोर्ट के ऊपर एक कमेंट यहां से ले लेता हूं। सर एक मिनट सर सुनिए, हम उस मुद्दे पे भी जरूर आऊंगा सर, मैं आऊंगा मैं उस मुद्दे पे जरूर आऊंगा। एयरपोर्ट अभी ये कह रहे हैं एक हफ्ते के लिए चलाया, बंद कर दिया, ये एक बार अपनी जानकारी को पुख्ता करें कि कम से कम 6 महीने तक एयरलाइंस रेगुलर चली है, जयपुर 6 महीने चली है, जयपुर बंद क्यों हुई सर बंद क्यों हुई? जयपुर रेगुलर चली है, जयपुर से कोटा रेगुलर चली है, दिल्ली के लिए इन्हों को वहाँ पे अनुमति इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि एयरलाइन छोटा, जो प्लान छोटा था और ये चाहते थे कि जो ट्रैफिक बढ़ा है उसके हिसाब से बड़ा प्लेन की आवश्यकता बढ़ रही थी, लेकिन वहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण से परमिशन अपने को नहीं मिली और यहाँ का जो ट्रैक था जो छोटा था, छोटे होने की वजह से नहीं उड़ पा रहा था, इसलिए उन्हें, मैं एक रिएक्शन आपसे लेता हूँ, उसका किराया 3 गुना था, उसका जो किराया ज्यादा था, का जो छोटा प्लेन इन्होंने चलाया था 6 महीने उसका किराया भी 3 गुना था। अच्छा सर मैं पूछ लूं, सर मैं सवाल कर लूं, एक मिनट सर से मैं सुन लेता हूं। जी सर बोलिए। सर निवेदन ही है, निवेदन सर मैं आ जाऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं। चलिए मैं सर से पूछ लेता हूं, एक मिनट। जी सर, जी हाँ बताइए सर। सर आप ही बताने आए थे वहां तक, मैं बताने आया था कि एयरपोर्ट में जो कह रहे कांग्रेस वाले नहीं बैठे, कहने का मतलब एयरपोर्ट के लिए जितनी बड़ी आवश्यकता है, बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं उनके गार्जियन आते हैं उनके लिए एयरपोर्ट की सख्त जरूरत थी और इन्होंने चालू नहीं करा, 6 महीने बाद बंद कर दिया, ये दिखावा करने के लिए कि भाजपा इस तरह के अधूरे काम करती है। सर मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या, आप कहना क्या चाह रहे हैं? चुनाव आते हैं,
एक लेटर लिखा जाता है कि एयरपोर्ट शुरू करो, एयरपोर्ट शुरू होता है, चुनाव खत्म होते हैं और वो मुद्दा समाप्त हो जाता है। चलिए एक मिनट बचे, एक छोटा सा ब्रेक लेना है क्योंकि समय, सर एक ब्रेक ले लूं, सर एक छोटा सा ब्रेक, चलिए इन्हीं को देना चाहता हूं कि इन्होंने ये कहा कि एक भी कांग्रेसी उसमें बैठा हो तो उसका नाम बताएं। तो मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं, मैं आपसे इस पे चर्चा जरूर करूंगा सर। एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि कोटा की सबसे बड़ी दरकार और जो मांग थी वो इस बात की थी कि यहां एयरपोर्ट शुरू हो। एयरपोर्ट के ऊपर राजनीति होती रही लेकिन नुकसान हुआ तो केवल कोटा की जनता का। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।